Hi, this is Farooq Khan and welcome back to my channel FRK Info. And please मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो. ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर का एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है. ये स्टेडियम कानपुर के गंगा नदी के किनारे बना हुआ है. इस स्टेडियम में एक साथ 32,000 लोग मैच देख सकते हैं. ग्रीन पार्क स्टेडियम का निर्माण सन 1945 में हुआ था. इस स्टेडियम का नाम ग्रीन नाम की एक महिला के नाम पर रखा गया है जो सन 1940 के दशक में यहां पर घुड़सवारी करती थी. ग्रीन पार्क स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच सन 1952 में इंडिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था और यहां पर पहला वनडे सन 1986 में इंडिया और श्रीलंका के बीच हुआ था. ये इंडिया का एकमात्र स्टेडियम है जहां छात्र गैलरी उपलब्ध है. ग्रीन पार्क में दुनिया का सबसे बड़ा मैनुअल रूप से चलने वाला स्कोरबोर्ड है और इसमें वीडियो स्क्रीनिंग भी है जिसका इस्तेमाल इंटरनेशनल मैचों में किया जाता है. इस स्टेडियम में सौरभ गांगुली ने सन 2000 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 विकेट लिए थे और इस मैदान पर सन 1987 में क्रिकेट विश्व कप का ग्रुप बी का मैच जिसमें वेस्टइंडीज और श्रीलंका का मैच यहां पर आयोजित किया गया था और इसने सन 1979 में नेहरू कप के मैच इंग्लैंड और भारत का मेज़बानी भी की थी और इसने सन 1993 में हीरो कप के उद्घाटन मैच श्रीलंका बनाम भारत की मेज़बानी की है और इसने सन 1994 से सन 1995 में विल्स विश्व सीरीज के एक मैच वेस्टइंडीज और इंडिया की मेज़बानी की है और इस मैदान पर इंडिया ने श्रीलंका को एक पारी और 144 रनों से हरा कर 100वीं टेस्ट मैच की जीत दर्ज की थी और 2016 में इसने भारत के 500वें टेस्ट मैच की मेज़बानी की जिसमें भारत ने न्यूजीलैंड को 197 रनों से हराया था. ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम में अनिल कुंबले ने कप्तान के रूप में सिर्फ एक ही मैच खेला है. रोहित शर्मा इस मैदान पर एक दिवसीय मैचों में 2 शतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं और श्रेयस अय्यर ने 2021 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट मैच में पहली पारी में शतक और दूसरी पारी में अर्धशतक लगाया था. इस स्टेडियम में हाईएस्ट स्कोर 337 है जब इंडिया ने 2017 में न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया था. ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर का एक खूबसूरत स्टेडियम है. अगर आप कानपुर जाएं तो इस स्टेडियम को ज़रूर देखें. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.